हत्या दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों को कर जेल में सजा काटते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए उद्योग से भी जुड़े रहते हैं। उदयपुर सेंट्रल जेल की बात करें तो यह कैदी कूलर, टेबल कुर्सी, दड़िया, ड्रेस सहित अन्य वस्तुएं खुद बनाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि कोरोना काल में जहां पूरे देश में व्यापार बंद था, वहीं कैदियों ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया। वर्ष 2020 से अब तक कैदियों ने 1,25,00,000 रुपए का कारोबार कर लिया है। साथ ही उदयपुर सेंट्रल जेल प्रदेश की 9 सेंट्रल जेल में कारोबार करने में प्रथम स्थान पर आ रही है। वित्तीय वर्ष 2020 में 75,00,000, वर्ष 2021 में 31,00,000 और वर्ष 2022 में अब तक 21,00,000 रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि जेल में आने के बाद कैदी का अपराध ज्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ आने के बाद हमारा यह दायित्व है कि उन्हें ऐसी गतिविधियों के संलिप्त किया जाए कि वो जेल से बाहर निकले तो समाज में जुड़ पाए और यहाँ किया हुआ काम बाहर भी काम आए। इसीलिए जेल में उद्योग लगाया हुआ है जिसमें मुख्य रूप से लोहे और स्टील के फर्नीचर बनवाते हैं, जैसे टेबल कुर्सी, कूलर, चारपाई बनवाते हैं। साथ ही कपड़ा भी यहीं बनाया जाता है जिससे कैदियों की वर्दी भी यहीं बनती है। यही नहीं, जेल में मसाले भी बनाए जाते हैं जो कैदियों के बनने वाले खाने में उपयोग में लेते हैं। साथ ही सफाई के लिए फिनाइल और झाड़ू पोछे भी यहीं बनाए जाते हैं। जेल में आने के बाद बंदियों में देखा जाता है कि उनके पास कौन सा फोन है, फिर उनको उसी अनुसार काम करवाते हैं। अगर किसी के पास फोन नहीं है और उद्योग में काम करने का इच्छुक है तो उसे सिखाया भी जाता है। उन्होंने बताया कि दो शिफ्ट में उद्योग चलता है, सुबह 7:30 बजे से 11 और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अलग अलग सेक्शन में बंदी काम करते रहे। सभी बंदियों को रोटेशन चलता है।